अगर कोई इनकेस गलती से चला जाए तो बोला कि वो कभी बाहर आता नहीं, आता तो वो पागल होके आता है। हेलो गाइस, एक मिनट रुक जाओ पहले। आज मैं इंसिडेंट अपनी स्टोरी ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सभी से यही रिक्वेस्ट है, जाओ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बस 1K होने वाले हैं, बस मुश्किल से 70 या 80 सब्सक्राइबर बचे होंगे, मैंने चेक नहीं किया। जल्दी से जाओ यार सब्सक्राइब करो, जल्दी से 1K कुछ भी कंप्लीट करने हमने, तभी मैं तुम्हें आज का इंसिडेंट सुनाऊंगा जो बहुत ही एपिक और बहुत ही मज़ेदार होने वाला तुम्हारे लिए यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो इतना देखो तुम्हारे लिए भाई, तुम्हारे अपने लिए मेहनत करता है, जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो यार जाके, तभी जाके मजा आएगा जब बड़ी फैमिली होगी और ज्यादा लोग ज्यादा ऑडियंस सुनेगी हमारी। तो बस जल्दी सब्सक्राइब करो, 1 2 3 4 5 हो गए सब्सक्राइब। चलो इंसिडेंट शुरू करते हैं, तो अपना इंट्रो देते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे सभी यार, उम्मीद करता हूँ यू आर एब्सोल्युटली फाइन। स्वागत है सभी का एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आप देख रहे हो अमार व्लॉग्स, ये थोड़ा ज्यादा ही मतलब हो गया, आप देख रहे हो थोड़ा टेक्निकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। तो ये थोड़ा अपना नहीं है ये, तो खैर छोड़ो। तो यार आज का जो इंसिडेंट है तुम्हें मैं सुनाने जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा एपिक, इतना थोड़ा मतलब तुम्हें डरावना भी लगेगा, थोड़ा सा हॉन्टेड कह सकते हो तुम। इंसिडेंट है, स्टोरी नहीं है। जैसे पिछला तो मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो भी इंसिडेंट था, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट तुमने दिखाया। आज का भी वैसा कुछ इंसिडेंट है, तो चलो शुरू करते हैं। ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ मैं, कुछ हमारी जर्नी ऐसे शुरू होती है। अब तुम्हें पता है बचपन में हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि पापा चलो घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो खारिश बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों गर्मी लग रही है। नहीं रुक, तो हमारे बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने बोला, मैंने नहीं, मैं हर बार मैं नहीं बोलता, झूठ बोल रहा है, मेरी पूरी फैमिली ने बोला कि क्यों ना यार एक ट्रिप लगा के आते हैं, आगरा जाके आते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बट हम आगरा उसमें तब जो ताजमहल था वहाँ नहीं गए थे, हम बस ऐसे बाहर से देख के आ गए थे। अब यहीं पर हमारा फिर से प्लान बनता है कि चलो यार आगरा घूम के आते हैं, और जो आगरा फोर्ट है, क्योंकि यार तुम्हें पता है दिल्ली में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं घूमने के लिए, तो हमने सोचा कि चलो यार यूपी जाके आते हैं, तो फिर यूपी में पड़ता ना ये आगरा वगैरह। तो हम चले गए ऐसे ही, मैं था, मेरे मामू वगैरह सब, हम चले गए, सब तैयार थे, हम जब मैं ज़्यादा बड़ा था छोटा था। अब बीच में क्या स्कैम हो जाता है, सबसे पहले क्या स्कैम होता है, वो होता है कि यार एक तो जो हमारी गाड़ी थी, तो गाड़ी में जो नंबर नेम प्लेट होती है, जो हमारा नंबर प्लेट होती है, तो उसमें क्या था, जैसे तुम्हारा पता है ABCD, एक जैसे DL9C हो गया, तो PA, तो हमारा जो सी था, पापा ने वॉश कराई थी गाड़ी, तो वो तब उड़ गया, तब उसमें स्टिकर वाला था, तो सी था ही नहीं। अब पहले ही हमें ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया, अभी मजा आएगा ना, उन्होंने सीटी मारी, बोला कि साइड में लगाओ गाड़ी। हमने बोला भाई क्या हो गया, तो उन्होंने बोला सर आपकी जो नंबर प्लेट है वो कंप्लीट नहीं है। मैं बोला ले भाई, पहले चलान कट गया। तो पापा तब आर्मी में थे, थोड़ी बहुत बात बूत करके, अब तुम समझ सकते हो मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ। तो समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, वैसे थोड़ी थोड़ी बात बूत करके अब हम जैसे से करके निकल गए। अब आगे एक स्टॉप आता, तो हमने लिए परमानेंट मार्कर। अब परमानेंट मार्कर ले लिया, तो उसमें हमने वो जो सी था वो लिख दिया, ताकि हमें कोई, तुम्हें पता है यूपी में जब एंटर करेंगे तो पुलिस थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि अब बॉर्डर लग जाते हैं जब दिल्ली से हम यूपी एंटर करेंगे। तो अब हमने सी लिख लिया परमानेंट मार्कर से। अब हमारा प्लान था सबसे पहले कि यार क्यों ना हम आगरा ही घूम के आ जाएं। तो हम सुबह निकले थे कोई अप्रोक्सीमेटली, हम निकले थे कोई 7 बजे सुबह के, 7-8 बज ही गए थे, इतना मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। अब हम निकल गए और हम पहुंच गए आगरा। अब आगरा में जब एंटर किया हमने, तो वहां पे एक बहुत सा बड़ा एक गेट आता है, तो वहां पे हम जैसे गाड़ी अंदर जाने मतलब लेके जाने लगे, तो मेरे मामू ड्राइव कर रहे थे, हम लेके जाने लगे, तो वैसे जैसे अंदर हमने जाने लगे, तो उन्होंने रोक दिया हमें। उन्होंने बोला कि नहीं सर अभी आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है। तब का टाइम था आई गेस 7 बज गए थे, तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे 5 बजे के बाद अलाउ नहीं होता है। भाई अब हम हो गए कि यार रात को मज़ा आता है, क्योंकि ताजमहल की जो लाइटिंग होती है ना वो बहुत ऑसम होती है। तो अब हम ऐसे गुस्सा हो गए कि सर जाने दो यार, क्यों आप मना कर रहे हो हमें। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर हम नहीं जाने दे सकते। अब इसी पे ही जो होता है, यहाँ पे थोड़ी सी हॉन्टेड चीज़ शुरू हो जाती है, तो मैं तुम्हें अभी थोड़ा एंड में बताता हूँ, ताकि थोड़ा एक सस्पेंस क्रिएट रहे। तो अब हम पीछे गए थे, जैसे मतलब अब हमने सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं, अब सुबह ही आएंगे। उन्होंने बोला कि सर सुबह आ जाना 10 बजे तक, तब आप आराम से जाके घूम के अंदर मतलब जो मर्जी तुमने करना कर देना। तो अब हम गए बाहर, निकल गए हम, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे हम रोड में गए, तो अब वहाँ पे तुम्हें पता छोटे मोटे गाइड मिल जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि सर आ जाओ ये वाला होटल बुक कर लो, ये कर लो। तो अब हमने वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, चुपचाप होटल में गए, रेस्ट की और अब सो गए। अब सुबह हुई, अब सुबह जैसे ही होगी, तो प्लान था पहला आगरा घूमने का, फिर जाना था हमने आगरा फोर्ट, दो जगह। अब सब कुछ रेडी हो गए, पूरी फैमिली रेडी होगी, गाड़ी में बैठी, अब हम निकल गए आगरा के लिए। अब उसी गेट में वापस हम अंदर गए, किसी ने रोका, पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, आराम से अंदर गए।
अब वहीं पे हमने एक अंकल से पूछा, मेरे फादर ने, तो उन्होंने बोला कि सर एक बात बताओ मुझे, हमने एंटर किया 7 बजे, तो एक बात बताओ कि हमें अंदर एंट्री क्यों नहीं उन्होंने जाने दी, क्योंकि क्योंकि तुम्हें पता यार आगरा की जो लाइटिंग होती है रात की, दैट इज नेक्स्ट लेवल, तुम कभी जाना रात को, तो मैंने दूर से देखा ना बहुत प्यारी लाइटिंग लग रही थी ना, तो उन्होंने बोला कि सर ये रीजन है कि जो शाहजहां जिनके मतलब ऊपर ही बनाया हुआ मेमोरी पे बनाया हुआ है, उनकी जो वाइफ है मुमताज, अब ये जो दो मेन रोल है, तुम्हें पता है आगरा जो मतलब जो आगरा का जो ये क्या क्या बोलते हैं आगरा टेंपल है जो भी डैम हुआ है आगरा, तो इन्होंने बोला कि जो मुमताज और जो उनके जो मुमताज और शाहजहां थे, अब वो रात को आते हैं खुद पर्सनली यहाँ पे, और जैसे उनकी पहली एक्टिविटी पिछले मॉडर्न वर्ल्ड में हुआ था जो प्रीवियस अर्ली एज में होती थी, वो सब कुछ अभी भी सर होता है, उनकी रात को प्रजा भी आती है, सब कुछ होता है। अब देखो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, तुम्हें भी गूज़बम्स आ रहे होंगे। यार मेरे पापा बोलते हैं यार सर ऐसा तो होता नहीं, उन्होंने बोला कि सर ये बिल्कुल फैक्ट है, तभी हम किसी को 5 बजे के बाद एंट्री नहीं देते हैं। तो मैंने बोला कि यार अब कैसे इसको ढूंढे, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, अब बातें हैं बट अब देख लो लोगों की बातें, मतलब वहाँ र्यूमर्स ऐसे फैले हुए हैं कि हम 5 बजे के बाद जाने नहीं देंगे। अब जिस बंदे ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी तो उसने आगे स्प्रेड की है ना, तो उन्होंने बोला कि सर देखो हर बंद मतलब हर जगह की अपनी अपनी मतलब एक क्या कहते हैं तो सिग्नेचर होता है कि मतलब तुम समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अपने अपना एक अंदाज होता है उस जगह का, एक हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो उन्होंने बोला कि सर देखो जो मुमताज और जो शाहजहां हैं वो रात को आते हैं और पूरा जो तुम्हारा आगरा वहाँ पे घूमते हैं, जो पूरा अंदर जहाँ पे लोग इवन मतलब जहाँ पे शुरू भी नहीं होता आगरा, तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे अंदर आते हैं और वो घूमते हैं पूरा अंदर चक्कर लगाते हैं और मतलब बातें बूते करते हैं, तो सर 5 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं होता है। भाई हम भी तब पापा गूस बम्स आ गए थे कि ऐसे रियलिटी में होता है। अब मैं और मेरे पापा अंदर गए, अब ऐसी मान्यता है आगरा की जब तुम अंदर जाओगे तो तुम शूज नहीं पहन सकते, वहाँ पे तुम्हें प्लास्टिक मतलब गर्मी तो बहुत होती है क्योंकि वहाँ पे धूप सीधी पड़ती है, तो उन्होंने बोला कि उधर प्लास्टिक के एक बैग देते ना जो जूतों में बांधते, देखो आप बिल्कुल साफ रखना ना, ये बात है वहाँ पे क्लीनिनेस बहुत ज्यादा है और अंदर ठंडक, बाहर गर्मी अंदर ठंडक ही ठंडक है बिल्कुल। और अंदर गए तो हमें पता क्या मिली, वहाँ पे कब्र मिली उनकी, जो मतलब कॉफिन होता ना वो कब्र मिली हमें, तो एक थी मुमताज और एक थी शाहजहां की। अब देख लो इतना मतलब मानना है, तो सोचो रात को किसका दम होगा कि यार अंदर जाएगा वो, कोई जा भी सकता यार। ये था हमें मतलब जब हमने देखी यार ये तो कब्र है इनकी, वहाँ पे घूमते हैं एक बहुत बड़ा से डब्बा सा बना उनके बीच में, नाम रखे हुए उनके मुमताज और शाहजहां। तो भाई मैं बोला कि यार पापा ये तो बहुत ऑसम, ये काश तब मेरा यूट्यूब का चैनल होता तब मैं पक्का तुम्हें दिखाता, तुम्हें बहुत यूट्यूब में मिल जाएगी, बट जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है ना वो ये था। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ कि हमें रात को एंट्री नहीं मिली थी। उसके बाद मैं और मतलब मेरी फैमिली हम आगरा फोर्ट भी गए थे, वहाँ पे भी बहुत अच्छी जगह, तुम कभी ट्रैवल करना ना कभी जाना, बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे, तो पूरा बताया हुआ है। हाँ और आगरा जो फोर्ट है और जो आगरा है ना, अब जैसे यहाँ पे आगरा है और यहाँ पे आगरा फोर्ट, अब उन्होंने अंडरग्राउंड रोड बनाया हुआ पानी के अंदर, एक पता नहीं कौन सा रिवर है नाम नहीं आता, बहुत बड़ा रिवर है, उसके नीचे से जाके एक पाइपलाइन सी बनाई, उसमें जगह रास्ता जाता है वहाँ पे, वहाँ पे लोग सिक्के फेंकते हैं कॉइंस फेंकते हैं, पता नहीं क्यों कि वो रात को कोई चीज़ या मतलब आवाज़ वूज आती होगी वहाँ से, तो वहाँ पे सिक्के फेंकते हैं, वो रोड जाके पता है वो जो तो अंदर इंटरनल पानी के अंदर जगह है वो जाके सीधा कनेक्ट करती है तुम्हारे आगरा फोर्ट में। तो उधर जो एक अंकल था उन्होंने बताया था, उन्होंने बोला कि ये होता है इजी मूवमेंट के लिए, अगर कोई भी अटैक हो जाए तो किंग होता है उसको चुपचाप ही पीछे से निकाल देते हैं। तो ये बहुत औसम जगह थी यार, मेरे को बहुत मजा आया था। तो यही स्टोरी मतलब बात बताई थी हमें कि सर अंदर नहीं जाते हैं। और मैं बोला कि सर अगर पापा ने पूछा था अगर कोई इनकेस गलती से चला जाए, तो बोला कि वो कभी बाहर आता नहीं, आता तो पागल होके आता है, ये तुम मान लो पागल हो जाएगा वो बंदा। तो मैं बोला कि यार पापा देखो ऐसी बातें भी सच होती हैं, देखो मतलब अब किसी की याद में बनाया तो ऑब्वियसली यार, तो वो तो रात को आते ही होंगे मिलते हैं, उन्होंने बोला सब एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे अंदर, बातें होंगी पूरी प्रजा से बातें करते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं रात को, सुबह जाके जाते हैं वो जब लोग आना शुरू होते हैं 10 की बजे तब एंट्री मिलती है, पहले नहीं मिलती। हाँ तो ये था इंसिडेंट, देखो तुम्हें गूज़बम्स आएंगे तो कमेंट करना मुझे, मैं तो इमेजिन करता तुम भी इमेजिन करना। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1K होने वाले, उम्मीद करता हूँ छोटा सा इंसिडेंट पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया होगा कमेंट कर देना, बोल देना बहुत बोरिंग है। और हाँ जो टॉप 2 कमेंट होने वाले हैं मेरे चैनल में जो सबसे पहले हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर, मैं उनको हर्ट दे दूंगा। तो चलो यहीं पे मिलते करते हैं, सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा वीडियो को एंड, टिल देन बाय गाइस, स्टे हैप्पी, जिंदगी में खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।